नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 6 अक्टूबर को हॉट सीट पर विराजमान हुए थे डॉक्टर मधुसूदन साहू। देखिए इनकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो कि उड़ीसा भद्रक के रहने वाले हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एक प्रोफेसर है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर केबीसी के मंच से डॉक्टर मधु साहू कितनी राशि जीत कर गए हैं। साथ ही साथ जो प्रतिभागी को 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि केबीसी के मंच से ये 3,20,000 जीत कर गए हैं। 3,20,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे अगला सवाल 6,40,000 का पूछते हैं। हालांकि इस सवाल पे इनके पास 1 लाइफलाइन बचा हुआ था, उसके बावजूद भी ये गलत जवाब दे देते हैं और केबीसी के मंच से 3,20,000 जीत कर जाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर डॉक्टर मधु साहू अपनी तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे करते हैं। तो हम आपको बता दें, ये अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल 10,000 के प्रश्न पे करते हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए 10,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। टूर डी फ्रांस, बुएतला या एस्पिया और 0 डी इटालिया किस खेल के आयोजन है? 4 ऑप्शन है, ए रनिंग, बी साइकिलिंग, सी फुटबॉल और डी रग्बी। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, या फिर 110% श्योर नहीं थे, इसी को लेकर ये अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को परसेंटेज दिया गया था वो था ऑप्शन बी। इस तरीके से डॉक्टर मधु साहू ऑप्शन बी यानी कि साइकिलिंग को लॉक करवा कर जीत जाते हैं 10,000। उसके बाद ये अपनी दूसरी लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 3,20,000 के प्रश्न पे, जो कि 50-50 था। देखिए 3,20,000 का सवाल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। भारत रत्न विजेता डॉक्टर CNR राव को आप मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जोड़ेंगे? 4 ऑप्शन है, ए गणित, बी औषध, सी रसायन विज्ञान और डी वनस्पति विज्ञान। तो इस सवाल का भी इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए ये अपनी दूसरी लाइफलाइन 50-50 का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 50-50 में 2 गलत विकल्प को मिटा दिया जाता है, उसके बाद ऑप्शन ए और बी यहाँ से रिमूव हो जाता है। फिर बची हुई 2 ऑप्शन में से ये ऑप्शन सी यानी कि रसायन विज्ञान को लॉक करवा कर जीत जाते हैं 3,20,000। 3,20,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे अगला सवाल 6,40,000 का पूछते हैं, जिस सवाल को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यदि USA के पास GPS है, तो भारत के स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का परिचालन नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, ए नविक, बी दिशा, सी IPS और डी गोलनास। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, या फिर 110% श्योर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये गेस के आधार पे इस प्रश्न को खेल जाते हैं और ऑप्शन बी यानी कि दिशा को ये लॉक करवा देते हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का ये गलत विकल्प है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि नैविक। इस तरीके से डॉक्टर मधु साहू केबीसी के मंच पर 6 अक्टूबर को 6,40,000 के प्रश्न पर गलत जवाब देकर सीधे नीचे गिरते हैं 3,20,000 पे और केबीसी के मंच से 3,20,000 जीत कर जाते हैं।